हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एपी ज्ञान चैनल पर। भारत के महान दार्शनिक चाणक्य ने कहा था कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, और लगता है मोदी सरकार इसी लाइन पर आगे चल रही है। भारत चाइना के बीच बढ़ते विवाद को देखते हुए मोदी सरकार चाइना के हर दुश्मन से हाथ मिला रही है, ताकि युद्ध की स्थिति में चाइना को चारों तरफ से घेरा जा सके। और इसी के तहत कुछ दिन पहले ही भारत ने जापान के साथ मिलिट्री लॉजिस्टिक एग्रीमेंट साइन किया, जिसके तहत भारत के फाइटर जेट जापान के मिलिट्री बेस, एयर बेस और नेवी को इस्तेमाल कर सकेगा। इस तरह का समझौता बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करता है युद्ध की स्थिति में, और किसी भी देश को एक अलग ही एडवांटेज देता है। जापान के साथ साथ भारत ने पहले ही ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और फ्रांस के साथ इस तरह का एग्रीमेंट किया हुआ है। लेकिन अब इस लिस्ट में कुछ और नाम जोड़ने वाले हैं। द हिंदू अखबार के अनुसार भारत रूस, ब्रिटेन और वियतनाम के साथ इसी तरह का एग्रीमेंट साइन करने वाला है, और इस संदर्भ में भारत की सरकार और इन देशों के बीच बातचीत चल रही है, जो कि फाइनल दौर में है। कहा यह जा रहा है कि रूस के साथ यह एग्रीमेंट इसी साल नवंबर महीने में साइन कर लिया जाएगा, जब व्लादिमीर पुतिन भारत दौरे पर आएंगे। लेकिन इन सभी देशों में वियतनाम के साथ इस तरह का एग्रीमेंट साइन करना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप होगा, क्योंकि वियतनाम चीन का एक कट्टर दुश्मन है, और यह वह देश है जिसने चाइना को 1979 के युद्ध में हराया था। भारत वियतनाम के बीच एग्रीमेंट साइन करने के बाद वियतनाम भारत को चाइना के खिलाफ वियतनाम का मिलिट्री बेस इंडियन फाइटर जेट को इस्तेमाल करने देगा।